हमारी कंपनी को आपका प्रपोजल बहुत ही अच्छा लगा और हमारे बॉसेस कल आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। कल सुबह कहाँ पे? गोवा में। कल सुबह गोवा में? आई एम सॉरी सर, इतनी शॉर्ट नोटिस पर आपको इन्फॉर्म किया। उनसे कहिए कि मैं कल सुबह आपसे गोवा में मिलता हूँ। I'll catch the morning flight. I'll see you tomorrow. Okay, thank you sir, thank you. Oh, baby. Oh. हमारी फैमिलीज में डिफरेंसेस है लेकिन आज मुझे मेरी जरूरत यहाँ खींच लाई। मुझे एक अच्छे लॉयर की जरूरत है और आज की तारीख में मुंबई में तुमसे अच्छा लॉयर मिलना मुश्किल है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा केस लूंगा? तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं तुमसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, नॉट इवन प्रोफेशनली। गलती कर रहे पर ठीक है, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। तुम्हारा आदमी को अपने जैसा समझते हो, राइट? तुम्हें क्या लगता है कुछ लाख रुपए के लिए मैं अपना फैसला बदल दूंगा? आई रियली पिटी यू। आज तक तुम्हारे पास जो भी पैसा रहा है, जहां तुम पले बड़े हो, ये गाड़ी में जो तुम घूमते हो, डोंट फॉरगेट, ये तुम्हारा नहीं, मानव देशमुख का। हवादार, हवादार अपनी गंदी जुबान से मेरे बाबा का नाम भी लिया तुम। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? बाबा? उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया, तुम सोहम नहीं हो बेटा। खैर, आज नहीं तो कल ये बात तुम्हारे सामने आने वाली। यू नो, लीगली तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी लाइफ में। तुम्हारी मां की और तुम्हारे बाबा की कभी शादी नहीं हुई थी। इन शॉर्ट, तुम एक नाजायज औलाद हो, बस। अगर इसी वक्त तुमने अपनी ये बकवास बंद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरी फैमिली का हिस्सा हूं। मेरी फैमिली के बीच दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? लेकिन तुम मुझ पर क्यों इतना नाराज हो? ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आजू बाजू के लोग कहेंगे। सचिन भाई, मैं तो यहां तुम्हारे पास एक ऑफर लेके आया था। तुम्हें नहीं करना है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, मैं किसी और के पास चले जाऊं। ठीक है, चलता हूं मैं। लेकिन एक बार सोचना जरूर, अगर ये केस ले लेते हो तो पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। एट दैट, मिस्टर किलोस्कर, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। किस बारे में? आज हम आपके ऑफिस में मीटिंग के लिए गए थे लेकिन वहां पर कोई मीटिंग कंडक्ट करने के लिए मौजूद ही नहीं था। हाउ इज दैट पॉसिबल मिस्टर संतोष? आई एम सॉरी बट आई थिंक मेरी कॉलीग आपके पास। ऐसा हुआ है मिस्टर किलोस्कर? वेल, अब मुद्दे की बात यह है कि आज के बाद हम आपके कंपनी के साथ में कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहते। नो, मिस्टर संतोष, एक मिनट, मेरी बात सुनिए प्लीज। हाउ अबाउट दिस, मैं अभी आपसे आके मिलता हूं एंड आई विल गिव यू द प्रेजेंटेशन राइट नाउ और वी विल सॉर्ट दिस आउट। आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैज हैपेंड। देखिए, अब बहुत देर हो चुकी है, हमारा डिसीजन फाइनल है, हम आपके तरीके से काम नहीं कर सकते। मिस्टर संदीप, ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर संदीप, छोड़िए मुझे। मिस्टर संदीप, सर, सर ये क्या कर रहे हो आप? सर छोड़िए उसे। सर हिम्मत कर रहे हो? सर छोड़िए उसे। सर ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए उसे। सर छोड़िए उसे। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, छोड़ो उन्हें। छोड़ो। अरे, अरे, ये छोड़ो उसे। ये क्या बदतमीजी है? दूर रहिए उनसे, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। अरे दिमागी हालत ठीक है तो बाहर लेके जाइए। नहीं कर रही हो ना? सर, आप चलिए, चलो ये बाहर लेके चलो। आप हटिए प्लीज। सर प्लीज बाहर आइए। वो संदीप है ना, संदीप, वो मंत्री का बेटा, उसने गौरी के साथ बदतमीजी की है।